जौर विश्वकर्मा कॉलोनी हनुमान मंदिर के साथ लगती गली में 60 वर्षीय महिला को सांड द्वारा मारकर बुरी तरह से घायल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रात्रि करीब 8:15 बजे की है, जब नीलम 60 वर्षीय महिला एक दुकान से सामान लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी गली में खड़े सांड ने महिला को टक्कर मार दी और उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि महिला उछलकर दूर जा गिरी। उक्त सांड द्वारा सींग मारकर महिला की दाहिनी टांग को भी फाड़ दिया गया। इस घटनाक्रम में महिला बुरी तरह से लहूलुहान हो गई और आसपास के लोगों में समाज सेवी सचिन शर्मा सहित नीलम की बहू पूजा और कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद नीलम को पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक सेंटर में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स मोनिका ने नीलम को प्राथमिक उपचार देते हुए टांग में 10 टांके लगाए और बताया कि इन्हें गहरी चोट आई है व एक्सरे करवाने की सलाह भी दी है। गौरतलब है कि पूरे पिंजौर शहर में आवारा पशुओं की भरमार को लेकर सभी लोग बुरी तरह से परेशान हो गए हैं। हर जगह आवारा पशुओं का झुंड कॉलोनी की गलियों में आसानी से देखने को मिल सकता है। लोगों का कहना है कि उनके बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि हर समय उन्हें भय रहता है कि कहीं कोई आवारा पशु उन्हें बुरी तरह चोटिल ना कर दे। गौरतलब है कि गत दिनों भी एक स्कूल के छात्र को सांड ने अपनी चपेट में लेते हुए घायल कर दिया था और हर रोज ही आवारा पशुओं द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आ रहे हैं, परंतु फिर भी प्रशासन इस समस्या को लेकर आंख मूंदे बैठा हुआ है और गलियों में घूम रहे इन आवारा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों में भारी रोष व्यक्त है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, क्या बात है? घर पहुंच गई थी, बस घर से 2 कदम की दूरी पे थी, सांड ने धक्का मारा जोर से, गिर गई जोर से। सांड था तो कितने टंकी लगी? फिर टंकी कितने लगाए? हाँ जी, अभी टंकी कितने लगी? टंकी तो लगे होंगे 10-12 लग रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा लग रहे हैं? बड़े लग रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण, क्या हुआ था? सांड ने साइड मारी थी, मैं एक्टिवा से गिर गया था तो पैर का नखून उतर गया मेरा, पूरे 1 हफ्ता हो गया। आज चप्पल भी आज ही पानी शुरू करी है, चप्पल भी नहीं पाई जा रही थी, पट्टी भी 1-2 दिन नहीं हुई खोली, हो गया जी 1 हफ्ता। तो काफ़ी सांड है वहाँ पे? आज रोज ही होते हैं जी गली में, आज भी 3-4 सांड थे गली में। तो इसकी शिकायत भी की हुई आपने? शिकायत अब कहाँ पे करनी है, किसको करेंगे, कर देंगे अभी कल।